मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित पालपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता विस्थापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ शामिल होने शुक्रवार रात ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही कहा कि शिवपुरी नेशनल पार्क के लिए भी मैंने 5 टाइगर लाने के प्रयास किए हैं, इसके लिए मांग की है, जल्द उसमें भी कामयाबी मिलेगी। इससे पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा, जिससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। रणथंभौर, कूनो, शिवपुरी, फिर पन्ना एक बेल्ट पर्यावरण व वन के लिहाज से लोगों को आकर्षित करेगा। श्योपुर के कूनो में शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अफ्रीकन चीतों को नेशनल पार्क के जंगल में छोड़कर इतिहास रचेंगे। उसके गवाह बनने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच रहे हैं। शुक्रवार रात दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से केंद्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। यहां स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां सिंधिया ने मीडिया से बात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन और प्रयास की सराहना की है। साथ ही एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा करोड़ों के प्रोजेक्ट की सागौत ग्वालियर, चंबल अंचल व मध्य प्रदेश को देने पर धन्यवाद किया है। सिंधिया शनिवार सुबह 9 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर की मदद से कूनो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मैं बात कर रहा हूं कि शिवपुरी नेशनल पार्क में 5 टाइगर लाए जा सके। इससे यह होगा कि राजस्थान के रणथंभौर में शेर, कूनो श्योपुर में चीते, शिवपुर में टाइगर और पन्ना में टाइगर रिजर्व होने से पर्यटकों को एक बेल्ट मिलेगा, जिस पर वह आकर इन वन्य प्राणियों को देख सकेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा के साथ साथ रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मैंने 3 मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की थी। आगरा ग्वालियर के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे, आगरा ग्वालियर के बीच पुराने हाईवे का कंक्रीट रोड बनाई जाए। कोटा भिंड इटावा हाईवे गुना के लिए रिंग रोड की मांग को भी उन्होंने माना। अब ग्वालियर में अक्टूबर को एयरपोर्ट का कार्यक्रम होगा, उसके अगले महीने रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम होगा। इस तरह ग्वालियर विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा।